नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खबरें अभी तक आप देख रहे हैं और सीधा सवाल में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हरियाणा की कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साहब हैं। उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कितनी तैयार है। धनखड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, टिकटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। बीजेपी कब तक ही डिसाइड कर लेगी कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे? पहले तो ज्योति, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मुझे जानकारी मिली कि आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दिन से इलेक्शन मोड में है, आप देख रहे हो। लगातार हमारे प्रभारी, हमारे इलेक्शन प्रभारी कलराज मिश्रा जी, पार्टी प्रभारी अनिल जैन जी, विश्वास सारंग जी, सह प्रभारी, बहुत दूर धूप हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठक लेकर गए हैं हिसार में। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और लगातार काम कर रही है, और नीचे तक की रचनाएं हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी खड़ी की हैं। तो और लगातार एक्टिविटी, हर लेवल की एक्टिविटी, विधानसभा स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, गांव के स्तर पर, वो लगातार हम काम कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन बोर्ड में है। क्या आपकी बार भी उधार के उम्मीदवार लाए जाएंगे धनखड़ साहब, या फिर अपने जो लोग होंगे उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होता है विनेबिलिटी। तो विनेबिलिटी के हिसाब से अवेलेबल बेस्ट पार्टी के अंदर है, ये सबसे पहले होता है। उसके बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि विनेबिलिटी के हिसाब से कोई व्यक्ति योग्य है, तो निश्चित रूप से पार्टी में ये सदा खुला विषय होता है, कभी भी एक बंद नहीं होता। तो उस नाते से, लेकिन आज पार्टी के पास मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अपने योग्यतम उम्मीदवार हैं। सात तो हमारे पहले से ही सांसद जो है पिछली लोकसभा में थे, तो उसमें से कई सारे तो उनमें से ही एक नेचुरली अच्छे दावेदार के रूप में हैं। कई सारे, सभी नहीं हैं, और जो है नए दावेदार भी काफ़ी अच्छी संख्या में उभर कर आए हैं। आज जो इलेक्शन कमेटी की हमने मीटिंग की, तो कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं थी जहां पांच पांच सात सात लोगों ने ये अपने इच्छा ना जताई हो कि हम भी हो सकते हैं। आपने कहा धनखड़ साहब की नए दावेदार भी अच्छे हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि अगर नए लोगों को टिकट दी जाती है तो पिछले सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सांसदों ने अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी अच्छी पकड़ होती है, तो निश्चित रूप से उनको रिपीट ही किया जाता है। तो इसलिए ये तो हर एक का व्यक्तिगत आकलन है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से रिपीट होंगे। जिनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में ये होगा कि भाई और विचार किया जाए, वो विषय पार्टी के लिए हमेशा ओपन रहता है। अरविंद शर्मा आए हैं आपकी पार्टी में, क्या लगता है क्या टिकट का कोई आश्वासन उनको दिया गया होगा? भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, कोई भी जब पार्टी में आता है तो कभी भी किसी आश्वासन इस पार्टी में कोई नहीं देता। ये है कि अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से हर लोग पार्टी में आने के बाद वो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अपेक्षा रखते हैं। अगर पार्टी उनकी अपेक्षा को उचित मानती है तो स्वीकार करती है, नहीं मानती है तो आगे के भविष्य की चीज़ों पर छोड़ देती है। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, आपके सांसद चले गए हैं, हालांकि आप लोगों ने नहीं निकाला, वो खुद छोड़कर चले गए हैं, क्या लगता है कि कोई नुकसान पार्टी को है उनकी पार्टी बनाए जाने से, डेंट है किसी तरह का? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक साख है और उनको भारतीय जनता पार्टी की जो एक कल्चर है सबको साथ सबका विकास, उसके साथ फिट नहीं बैठ रहे थे, तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अगर नहीं बैठे तो आपकी पार्टी की ओर से कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया? देखिए, पार्टी ने ये उनको बता दिया, जता दिया, समझा दिया, ध्यान में करा दिया कि आपकी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। पार्टी उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकती, पार्टी उस रास्ते पर नहीं जा सकती। जब उनको भी ध्यान में आ गया तो उन्होंने अपनी राह अपनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबकी राजनीति, आप लोगों पर ही लगते हैं कि आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्म की, धर्म नहीं होता वहाँ जाति की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति करती है, देश पहले, भारत हमारे नाम में भी पहले है। तो हमारी पार्टी का अगर कोई आप एजेंडा कह सकते हो तो राष्ट्रवाद हमारी पार्टी का एजेंडा है, इसके सिवा कोई एजेंडा नहीं है। इसके अलावा तो सारी की सारी बातें मिथ्या हैं और गढ़ी गई हुई। अभी राष्ट्रवाद का आपने जिक्र किया, राष्ट्रवाद को लेकर भी आरोप लगते हैं कि कथित राष्ट्रवाद को लेकर आप लोग शहादत में वोट ढूंढते हैं पुलवामा अटैक के बाद। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिपक्ष जो है वो हर बात में राजनीति देखता है, इसलिए हम क्या शहीदों का सम्मान भी ना करें, उनकी जयकार भी नहीं करें, हम अपने सेना के लिए अच्छी बातें भी नहीं कहें। उनको लगता है कि बहुत अच्छा, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने चलाया हुआ था, एक फ़ोटो भी डाला हुआ था, इंदिरा गांधी घोड़ा लेके खुद बांग्लादेश में गई हुई है। ऐसे बोला, बांग्लादेश जीता तो इंदिरा गांधी ने जीता, पुलवामा जीता तो अब के प्रधानमंत्री का नाम ना लो। ये जो दोहरे मानदंड हैं, मैं तो कहूँगा कि जब बांग्लादेश जीता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था। इसलिए देश का जब विषय आता है
और किसी दूसरे मुल्क के साथ आता तो संपूर्ण राष्ट्र एकजुट खड़ा होता है, उसमें राजनीति नहीं देखता। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश की रक्षा और सुरक्षा में भी राजनीति खोजती है। उड़ी अटैक हुआ, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोगों पर आरोप रखे क्रेडिट लेने के। अभी आम लोकसभा चुनाव के उससे पहले एयर स्ट्राइक की गई है, जो कि विपक्ष के आरोप है कि उस पर भी आप लोग वोट लेने की कोशिश में है। देखिए, अभी जैसे मैंने इससे पूर्व में आपको वही बात दोहराई, श्री जी ने 65 का युद्ध जीता तो उनको क्रेडिट था, और डिसक्रेडिट भी मिलता है, नहीं जीत पाते तो डिसक्रेडिट भी मिला। 62 का युद्ध नहीं जीत पाए तो नेहरू जी को डिसक्रेडिट भी मिला। 40 जवान शहीद हुए तो क्या ये भी फेल्योर फिर माना जाएगा सरकार का? और डिसक्रेडिट ये साथ साथ जुड़ा होता है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उसकी बड़ाई करेंगे, कुछ कम होता है तो निश्चित रूप से सरकारों की निंदा भी होती है। शहादत को लेकर सवाल इसलिए भी ज्यादा कि एक अलग तरह का माहौल हो गया कि पूरे देश में चुनाव से पहले, तब जब 40 जवान शहीद होते हैं क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी ले? जम्मू कश्मीर में आतंक लगातार बढ़ता है, पत्रवासी की घटनाएं बढ़ती है, तो क्या उस पर भी मोदी सरकार क्रेडिट जिम्मेदारी ले कभी? नहीं, क्या क्या जिम्मेवारी प्रतिपक्ष लेगा, हमेशा ही सरकार की जिम्मेवारी होती है। अच्छा होता है तो भी सरकार की जिम्मेवारी होती है, कुछ अच्छा नहीं होता तो भी उसके सवाल सरकार पे खड़े होते हैं, सहज स्वाभाविक है, नेचुरल है, होता ही है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया कि हमें चुनाव में फायदा होगा एयर स्ट्राइक का, कई बयान ठीक है इतने गंभीर विषय? देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, लेकिन कभी भी युद्ध के मसले पर, चुनाव के को और युद्ध को, देश की सुरक्षा को और चुनाव को ये नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और ये जोड़ा जाना ही जो है वो ठीक नहीं है। और विपक्ष भी इस पर जिस प्रकार से परेशान हो रहा है वो बहुत बुरी बात है। कई बार ऐसा लगता है कि परेशान होते होते वो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे सवाल करने लगते हैं जो किसी शत्रु देश ने हमसे करने चाहिए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। किसानों को लेकर क्या किया सरकार ने? हालांकि मुझे पता है आप बहुत लंबा जवाब इस पर दे सकते हैं और देते भी हैं हर बार, लेकिन अब जो पेंशन का आखिरी बजट में घोषणा की गई है, क्या वो पहले नहीं हो सकता था? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमने हरियाणा के हर किसान को जोखिम फ्री किया है, हमने ओलावृष्टि को, जल भराव को, फसल में हुए नुकसान को, आग लगी हुई को, और आज मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, नहर टूटने और ड्रेन के ओवरफ्लो होने से भी अगर नुकसान होता है तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। हरियाणा के एक भी खेत को नहीं छोड़ा है कि अब हरियाणा का किसान रिस्क फ्री है। ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, हम अच्छा भाव केंद्र की मदद से भी, और अपने हरियाणा में भी गन्ने का जैसे 340 है, केंद्र ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 50% प्रॉफिट के साथ दिया, और हमने बाजरे तक की बहुत अच्छी खरीद की, हर फसल की उस दाम पे खरीद की, और अभी भी सरसों की खरीद आ रही है, गेहूं की आ रही है, एक एक दाना हम सरसों का भी खरीदेंगे और गेहूं का भी खरीदेंगे, किसान को उसके लाभांश के साथ उसका पैसा मिले इस काम। और फिर हरियाणा के किसान की तो पो 12 हो गई, 6 दिए मोदी ने और 6 दिए मनोहर लाल जी ने, 6 मिला के 6 मिला के 6 हो गए 12, किसानों की हो गई पो 12। ये पहली बार हुआ कि खेती किसानी को और किसान को अलग देखा गया। एक जब ये नाम शुरू हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो एक अच्छी बात मानस में आई थी कि उत्पादन की चिंता तो वर्षों से हो रही थी लेकिन उत्पादक की चिंता नहीं हो रही थी, और उत्पादक की हालात खराब होती जा रही थी। इस बार उत्पादक की चिंता हुई और डायरेक्ट बेनिफिट उत्पादक को दिया गया, ये बहुत बड़ी पहल हुई है। और हरियाणा तो और भी आगे बढ़ गया, हमने लैंडलेस भी शामिल कर लिए, हमने खेतीहर मजदूर भी शामिल कर लिए, हमने जो किसान के सहयोगी आर्टिजन होते हैं वो भी शामिल कर लिए, हमने छोटे दुकानदार भी शामिल कर लिए, हम 6,000 रुपये उन सबको भी देने वाले हैं। वो किसान की मर्जी है कि वो नगद ले या अपनी पेंशन कराना। चुनाव से जस्ट पहले कैश दिया जाना, क्या ये माना जाए कि वोट बैंक से इसका है कनेक्शन कोई? देखिए, हरियाणा सरकार का तो चुनाव के बाद जाने वाला है, अप्रैल से शुरू होगा, और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का वातावरण बजट से पहले शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इसको आप समझ लीजिए, ये जो झूठे लालच देकर आए थे, मतलब मैं उसको ये कहूँगा कि इन्होंने ठगी की थी जनादेश के साथ, चीटिंग की थी राहुल जी ने, बड़े जोर जोर से नारे लगाए थे हम हर बार का हर प्रकार का कर्जा माफ़ करेंगे, साहूकार का करेंगे, आढ़तीय का यानी कमीशन एजेंट का करेंगे, नेशनलाइज बैंक का करेंगे, और हम कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे, और फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब के लोगों ने देखा ये तो खाली कोऑपरेटिव का कर रहे हैं, ये तो दीर्घकालिक कर्जे माफ़ी की भी बात कर रहे थे और अल्पकालीन कर्जे की माफ़ी बात कर रहे थे, अब तो ये केवल अल्पकालीन की कर रहे हैं।
अब तो केवल ये जो है हमको किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है उसी की बात कर रहे हैं, उपकरणों की नहीं करते। एक पूछिए, अभी लोग वेट कर रहे हैं इनकी, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में राहुल की वेट कर रहे हैं कि ये वोटों का ठग कब आएगा और इसको वो जवाब देंगे। अपने भारतीय किसान मोर्चा जो आपकी पार्टी का रहा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप रखे, आपने बहुत साइकिल रैलियां भी निकाली स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के लिए, क्या कोई मलाल है किसी तरह का कि पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए? देखिए, मैं तो इस बात से आनंदित हूँ कि वो हम करा पाए जो चौधरी चरण सिंह नहीं कर पाए थे, जो चौधरी देवीलाल नहीं कर पाए थे, देवगौड़ा जी नहीं कर पाए थे। और कांग्रेस तो ठगी कर रही थी, वो तो दबाए बैठी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट को 2006 में जो आ गई थी, और 14 तक मोदी जी वो कर पाए। मुझे इस बार का आनंद है कि मैंने जो आंदोलन किया और पार्टी के घोषणा पत्र में जिसको शामिल कराया और उसके सामने अपने मंत्री बनकर इम्प्लीमेंट होते हुए देखा और उस पर खरीद करने का भी आनंद लिया, मुझे इस बात की बहुत संतोष है और आनंद है, सुख है। वादा ये था धनखड़ साहब, ये नहीं था कि चौधरी चरण सिंह से ज्यादा करेंगे, ताऊ देवीलाल से ज्यादा करेंगे, वादा ये था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सभी सिफारिशें पहली कलम से लागू करेंगे। आपको याद होगा अपना भाषण। देखिए ज्योति जी, ये बहुत पुरानी मांग थी कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये नई मांग नहीं थी। हर बार जब किसानों के आयोग बैठे तो सबने तब ये कहा था, कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। CACP के जो पैरामीटर्स थे उसमें कहीं भी ये नहीं था किसान को प्रॉफिट दिया जाए, तो ये प्रॉफिट उसमें जुड़वाना और 50% तय करके देना, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और उसके कारण से जितनी बड़ी राशि सीटों को लेकर मैंने पहले भी आपसे बहुत बार पूछा, लेकिन अब जब चुनाव करीब है तो कैसे किसान इसे समझे कि आप लोगों ने कर दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, सीटों को मैं व्यवहारिक नहीं मानता और आप भी जब उसकी डिटेल समझेंगे तो व्यवहारिक नहीं मानेंगे। सीटों में क्या है, मान लो आपका खेत गुड़गांव के पास है और 5 करोड़ उसकी कीमत है, तो 5 करोड़ का ब्याज लगाकर उसके गेहूं के पैसे निकाले जाए, ये व्यवहारिक नहीं है। चुनाव से पहले था, देखिए चुनाव से पहले था धनखड़ साहब, सुनिए बात, 50% प्रॉफिट की बात हमने कही, उसमें जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें ये नहीं लिखा गया C2 या A2, A2 प्लस FL, हमने कहा 50% मुनाफे के साथ फसलों के दाम देंगे। फिर दूसरी बात, आप देखिए उस अनाज को ज्योति अगर रहेगी तो क्या खा सकती है? 5 करोड़ का अगर खेत है किसी का गुड़गांवा के आसपास और उसमें उत्पन्न हुए खेत की पूंजी का ब्याज लगाकर उस गेहूं का अगर दाम तय किया जाएगा, व्यावहारिक नहीं है। अब आपके पास मान लीजिए आपके गांव में किसी के पास कंबाइन मशीन है और कंबाइन मशीन से वो मजदूरी करता है, अपनी कई जगह से आमदनी करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे जो 2 एकड़ ज़मीन है उस 2 एकड़ ज़मीन के लागत में मेरी कंबाइन मशीन की पूंजी जोड़ो और इसका ब्याज लगाओ, क्या व्यावहारिक है? वो बाकी जगह से जो कमाई करके लाता है उसका कोई संबंध नहीं। वादा आप लोगों का था, मीडिया इसको व्यवहारिक किया। मैं बता रहा हूँ घोषणा पत्र कमेटी में जो हमने लिखा, मैं इस बार की घोषणा पत्र कमेटी में भी हूँ, हमने कहा हम 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे, हमने A2 प्लस FL में 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए और उससे आगे फिर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट, जो साइकिल रैलियाँ निकाली, जो रैली में कहा PM के होते हुए, क्या उसको गंभीरता से ना ले जो हरियाणा के किसान के, जो जनता के, ये शब्द क्या, ये शब्दों का खेल नहीं होगा धनखड़ साहब? हर बार यही कहा 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे और हमने दिया, इसका हमको आनंद है। धनखड़ साहब, क्या चुनाव प्रचार को देखकर नहीं लगता कि मुद्दों की बातें पीछे छूट गई हैं, एक माहौल के देश में और सभी उस माहौल के साथ चल रहे हैं? देखिए, माहौल भी मुद्दों से बनता है, परफॉर्मेंस से बनता है, माहौल कहीं आइसोलेशन में नहीं बनता, जो परफॉर्मेंस होती है सरकार की, जो मुद्दे होते हैं उसी से माहौल बनता है। और ये ठीक है कि हमारे देश में चुनाव में माहौल काम करता है, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद का माहौल आप कह सकते हो, पिछली बार गुड गवर्नेंस के नाम पे मोदी जी का जो माहौल बना, तो माहौल का यहाँ रोल अदा करता है, माहौल को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। माहौल जो है वो तय कराता है, एक मूड बनाता है देश का, उस मूड के हिसाब से फिर जो है ये बातें पीछे छूट जाती हैं। धनखड़ साहब के पिछले मैनिफेस्टो में वादे क्या थे, काला धन जो लाया जाएगा, 15 लाख सबको मिलेंगे, राम मंदिर बना लिया जाएगा, 370 हटा दी जाएगी, कुछ बातों को बहुत घुमा फिरा के कहना ये अच्छी बात नहीं है। ये सबने कहा कि 15 लाख रुपए की राशि बनती है, इतना विदेशों में काला धन जमा है, और इसको समझाने के लिए भी कहा कि व्यक्तिगत हिस्से आ सकती है, लेकिन ये किसने कहा कि मेरे खाते में या ज्योति के खाते में देंगे? मोदी साहब ने उस वक्त आपका उम्मीदवार, PM पद के उम्मीदवार रहते हुए धनखड़ साहब कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, एक बात, ये सीधा उनकी ओर से पूछा गया, वादा भी किया। देखिए, ये जो विषय है ये एक आंकड़ा बताया गया कि इतना हो सकता है। अब मान लो मैं कहूँ कि हरियाणा में 3000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी और इतनी लंबी सड़कें बनी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकती हैं, कोई उल्टा सवाल खड़े वाड़ा करना है, भाई वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ गई मुझे ये बताओ, ये ऐसा मुद्दा है। ये बिल्कुल सही बात है कि इतनी राशि की बात हुई, ये कहा गया, लेकिन अब लोग उसको, यानी जनता को बुद्धू समझकर
और इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं कि आपके खाते में आए क्या। हाँ, तो ये जो है, जैसे मैं जो आंकड़ा लगाया गया था, जो नंबर बताया गया था, क्या वो नहीं ला पाए, क्या ये फेलियर नहीं? फिर जो मैं ये कहूँ कि वो सूरज है और कहे कि अंगली में आपकी में सूरज कहाँ है, मेरी उंगली सूरज की तरफ इशारा कर रही थी, उंगली में सूरज नहीं था। कुछ बातें कई विषयों को बताने के लिए होती हैं, उस तरह से समझाई गई, बताई गई, और उसके बाद जितने प्रयास, जितने बात को की बड़ा करती हूँ, मान लूंगी कि सीधे नहीं कहा गया, हालांकि कहा गया था, आपको भी जानकारी है, लेकिन धनखड़ साहब ये बताइए कि वो काला धन गया कहाँ पर, जो काला धन कहा गया था, जो एक एस्टिमेट लगाया गया था, फिर वो कहाँ गया, अब जब चुनाव दोबारा से आ गए हैं? देखिए, दो विषय इसमें आप, मैं प्रशंसा करना चाहूँगा मोदी जी की सरकार की, काला धन के को ख़त्म करने के लिए जितने कठोर स्टेप्स इस सरकार ने लिए हैं और जिस प्रकार के प्रयास किए, नोटबंदी भी जिस तरह से की गई और जिस तरह से प्रयास किए कि कोई काला धन के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सके, वो प्रयास बहुत सराहनीय हैं। और ऐसे विषयों पर और आगे लगातार, जैसे जो भी कोई ऐसे विषय हैं, तो उसमें लगातार ये सरकार कम से कम ईमानदारी से प्रयास कर रही है। और वो जो है उन लोगों में नहीं है, पहले ऐसी सरकारें आती थी जो काला धन जुटाती थी, ये ऐसी सरकार आई है जो काले धन को रोकती है, जो काले धन को होने नहीं देती काला, जो कहती है कि मुझे चुनाव भी लड़ना है तो हम एक नंबर के पैसे से लड़ेंगे, मैं चेक पर सब चंदा चाहिए, किसी धनपति का काला धन नहीं चाहिए। अभी फिलहाल हरियाणा की स्थिति को देखकर क्या लगता है, कहाँ खड़े मुकाबले में आपकी पार्टी? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत कर आने वाली है। कांग्रेस की अंतर्कलह है, एक लिस्ट आती है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन टूट के पड़ जाता है 2 घंटे बाद। एक पार्टी है, उसका घर ही टूट गया है और दोनों ही एक तरह से इशारे कर रहे हैं, बीजेपी। तो ये मुझे लगता नहीं कि सामने कोई अब प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रम से और अपनी गुड गवर्नेंस के आधार पर, केंद्र की गुड गवर्नेंस और जो है राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस के आधार पर हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, रोहतक की बात कर लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा हैं, सोनीपत से अगर हुड्डा साहब लड़ें, नवीन जिंदल उनके पास हैं, सुरजेवाला हैं, सैलजा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, किरण चौधरी भी हैं, क्या आपके पास चेहरों की, बड़े चेहरों की कमी होगी? और क्या ये भी कारण हो सकता है कि पिछली बार की तरह बाहर की पार्टी से लोग आएँ, उनको टिकट दे दिया जाए? देखिए, बहुत छोटे छोटे चेहरों ने हरियाणा राज्य की सरकार बना ली थी, हमको तो नौसिखिए भी कहा गया, फर्स्ट टाइमर कहा गया, ये कहा गया अनुभव नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी सरकार हमने चलाई, सर्वत्र उसकी प्रशंसा है। और ये छोटे छोटे चेहरे ही बड़े बड़े चेहरों को आराम से परास्त करेंगे। ये जो उम्मीदवारों को बदला जाता है या कहा भी गया आपकी ओर से कि हो सकता है कि कुछ बेहतर लोगों को लाएं, क्या ये भी कारण है कि उस सांसद ने उतना अच्छा नहीं किया, उसकी एंटी इनकम्बेंसी जितनी हो उसको हटा दिया जाए, नया उम्मीदवार लाया जाए? अभी ऐसा किसी का कुछ तय नहीं हुआ है, अभी प्रारंभिक वार्ताएं हुई हैं और प्रारंभिक वार्ताओं में सब प्रकार की खुलकर चर्चा होती है, कौन कौन कैंडिडेट हैं, किनकी क्या परफॉर्मेंस है, और उसी आधार पर, उन चर्चाओं के आधार पर बाद में केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। इनेलो के नेता और खासतौर पर इनेलो के सुप्रीमो की ओर से संकेत दिए गए बार बार कि वो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छा रखते हैं, क्या कारण है कि इस बार साथ नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर हरियाणा की जनता के गठबंधन से ही चुनाव लड़ेगी, किसी और के नहीं, कोई और नहीं। 2014 में आपने रोहतक से भी चुनाव लड़ा लोकसभा का, फिलहाल रोहतक की स्थिति को देखकर क्या लगता है, क्योंकि एकमात्र सीट है जो कि कांग्रेस के पास है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 100%, 100%। आज का मेरा ये विषय आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। रोहतक की सीट को लेकर बार बार चर्चाएं हुई, कभी किसी अभिनेता को लेकर, कभी किसी खिलाड़ी को लेकर, क्या दीपेंद्र हुड्डा के कद का नेता नहीं मिल पाया आप लोगों को? मैंने कहा जिसको भी लड़ाएंगे वही हराने वाला है, 100%, कोई बात ही नहीं है। चलिए, लोकसभा चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव के लेकर भी एक सवाल आपसे, क्या दादरी से आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चाएं हैं, क्योंकि दादरी से आपने चुनाव लड़ा था? देखिए, मैं बादली से चुनाव लड़ा था, बादली से बना हूँ, बादली से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, कहीं और कोई दूसरी बात सोचने की है नहीं। और बाकी किसी दूसरे क्षेत्र में जाना, दूसरे ज़िले में जाना, उसका कोई कारण नहीं है।
कोई कारण नहीं किया इस बार। साथ ही मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन हुए, आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और रजीन बाय इलेक्शन में भी, क्या मनोहर लाल की वेव बन गई है हरियाणा में, क्या सीएम बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए स्वीकारे हुए? देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। हमारे काम की बहुत प्रशंसा हो रही है, लोग हमको काम के आधार पर प्रशंसा कर रहे हैं। पहले पर्सनैलिटी बेस्ड राजनीति रही और ये बड़ी पर्सनैलिटी कुछ किया चाहे नहीं किया, बड़ी पर्सनैलिटी और नायकता खड़ा किया गया। हमने नायकता के चक्कर में हम नहीं पड़े और हमने गुड गवर्नेंस की, लोग हमारे काम की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग हमारी मेरिट पे दी हुई नौकरियों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग हमारे कंप्यूटर से हुई बदलियों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग फसलों के कंपनसेशन की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग अच्छी खरीद की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग हम जो भी काम हम पर आए, हरियाणा को लोटा बोतल लेकर बाहर जाने से मुक्त कर पाए, स्वच्छ बना पाए, बेटियों की संख्या बढ़ा पाए, लोग हमारे काम की प्रशंसा कर रहे हैं और काम के आधार पर ये पसंद कर रहे हैं कि टीम बहुत अच्छी है। जो मनोहर जी के आप नहीं रखते कि मनोहर लाल की वेव है हरियाणा में, मनोहर लाल जी ने काम किया है, मनोहर लाल जी के काम को लोग पसंद कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपको बातचीत करने के लिए। तो ये थे ओपी धनखड़ साहब, जिनका कहना है कि हरियाणा में और देश में विपक्ष कहीं न कहीं है, दोनों जगह पर बीजेपी एक बार फिर से सरकार को दोहराने वाली है। कैमरा पर्सन सियाराम के साथ दिल्ली से खबरें अभी तक के लिए ज्योति सांगवान।